खबरें वही जो दिखे सही। नमस्कार, मैं हूं गोविंदा गोला, 24 टाइम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में सीबीआई और ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें शामिल कोई भी शख्स नहीं बचेगा। रविवार को छुट्टी वाले दिन भी देश भर में नीरव मोदी, मेहुल चौकसी कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। वही आज सुबह सीबीआई ने पीएनबी मुंबई स्थित ब्रेडी हाउस ब्रांच को सील कर दिया है। साथ ही बैंक के बाहर नोटिस चिपका दिया है जिस पर लिखा है कि इस ब्रांच को नीरव मोदी एलओयू मामले के कारण सील कर दिया जाता है। इसके बाद इस ब्रांच में कोई भी शख्स काम नहीं करेगा। पीएनबी कर्मचारियों को प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। आपको बता दें कि नीरव मोदी के मुंबई स्थित घर पर ईडी की छापेमारी जारी है। वहीं सूरत के 3 और दिल्ली के 1 ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। वहीं केंद्र सतर्कता आयोग सीबीसी ने पीएनबी के अधिकारियों को समन कर पूछताछ के लिए बुलाया है। यह बैठक अब खत्म हो चुकी है। इस बीच सीबीआई ने नीरव मोदी की कंपनी को दूसरे चीफ फाइनेंस ऑफिसर रवि गुप्ता को पूछताछ के लिए समन किया है। ईडी और सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच पीएनबी घोटाले का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले में एसआईटी जांच की मांग करते हुए शीघ्र कोर्ट ने याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2013 में नाट्य क्रमांक शुरू हुआ था और धोखाधड़ी की शुरुआत 2011 और 2012 में हुई थी। इसमें सीबीआई, सेबी, ईडब्ल्यूडी, ईडी को सूचित किया गया था। अगर समय रहते संचेत जाते तो यह बचकर भाग नहीं पाता। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद स्थित इंदिरापुरम के शिप्रमहल के डायमंड वर्ल्ड नामक शोरूम में ईडी ने छापेमारी की। इस दौरान अधिकारियों ने डायमंड वर्ल्ड के मालिक सुनील कुमार अग्रवाल को हिरासत में ले लिया है। अब पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली लेकर जा रहे हैं। उधर सुनील का कहना यह है कि वह पिछले 11 साल से शिप्रमहल में ही हीरो के शोरूम में काम कर रहा था, वो चला रहा था। उनका नीरव मोदी या उनकी किसी भी संस्था के साथ कोई संपर्क नहीं है। वहीं ईडी के अधिकारियों ने अनौपचारिक से बताया जाता है कि हीरा कारोबारी सुनील अग्रवाल के नीरव मोदी से संपर्क होने की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही कोई औपचारिकता जानकारी मिल सकती है। सीबीआई ने रविवार को ब्रेडी हाउस की ब्रांच की तलाशी शुरू की थी। इसमें पहले पीएनबी के तमाम अफसरों के अलावा विपुल अंबानी व नीरव के अन्य स्टाफ से भी 8 घंटे पूछताछ की गई। विपुल अंबानी देश के शीर्ष उद्योगपति रहे, स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी के छोटे भाई नटूभाई अंबानी के बेटे हैं। सीबीआई ने उन्हें कुछ दस्तावेज के साथ दफ्तर बुलाया। वही पीएनबी के जिन अफसरों से पूछताछ की हुई है वो संभव सभी निलंबित हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी को पिछले साल ही एनआरए बन चुका था। नीरव मोदी ने अपने बैंक के सारे दस्तावेज में एनआरए होने का जिक्र किया था। हालांकि इस बात का अभी तक पता नहीं चला है कि पीएनबी की इनकी जानकारी थी या नहीं, क्योंकि इसकी तरफ से जारी एलआईयू में नीरव मोदी एक भारतीय प्रमोटर बताया गया। नीरव मोदी AAN एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक है और रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी ने अपने दस्तावेज में अपने मालिक को NRI बताया हुआ था। सीबीआई ने रविवार को पीएनबी के 11 अफसरों को मुख्य आरोपी नीरव मोदी की कंपनी फाइव स्टार इंटरनेशनल कंपनी के मुख्य
वित्तीय अधिकारी विपुल अंबानी के अलावा शनिवार को गिरफ्तार गोकुल शेट्टी समेत तीन आरोपियों से गहन पूछताछ की। शेट्टी ने बताया कि नीरव मोदी वह मेहुल चौकसी की कंपनी को फर्जी LOIU जारी करने एवं मोटा कमीशन लिया जाता था। इस कमीशन की राशि बंटवारे में ब्रैडी हाउस शाखा के घोटालों में लिप्त सभी कर्मचारियों में ये कमीशन बांटा जाता था। शनिवार को गिरफ्तार पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुला शेट्टी बैंक के एकल खिड़की प्रभारी मनोज खरात ने नीरज को अधिकृत हस्ताक्षर अमन भट्ट ने कई अवैध खुलासे किए। शेट्टी ने माना कि वह फर्जी LOIU लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के लिए केवल 5 पासवर्ड का अधिकृत रूप से उपयोग करता था। इसी के जरिए स्विफ्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग कर वह नीरव व मेहुल की कंपनियों को फर्जी LOIU जारी करने की सूचना विदेश में स्थित अन्य बैंकों को दे देता था। यह स्वदेश सेवा है जिसकी पूरी दुनिया में बैंकों को लाखों संदेश रोजाना भेजे जाते हैं। इसके आधार पर ही विदेशों में कई बैंकों ने नीरव व मेहुल की कंपनियों को 11,400 करोड़ रुपया 1.77 अरब डॉलर का भुगतान कर दिया, जबकि PNB को इसके एवज में गारंटी के तौर पर कोई नगद राशि चुका ही नहीं। नीरव मोदी से जुड़े हुए खबरों को और भी देखने के लिए बने रहे हमारे सहयोगी सुचिता यादव के साथ। धन्यवाद गोविंदा जी। अभी हम आगे की जानकारी देते हैं नीरव मोदी के घोटाले के बारे में। प्रियंका चोपड़ा से लेकर जैकलिन फर्नांडिस, श्रद्धा कपूर, सोनम कपूर, निमरत कौर, लीजा हेडन और काजोल, यह सभी बॉलीवुड स्टार्स नीरव मोदी की ज्वेलरी में दिख चुके हैं। नीरव मोदी हाई प्रोफाइल सोसाइटी का जाना माना नाम है, लेकिन अब PNB घोटाले ने बॉलीवुड में भी हलचल मचा दी है। इनके ज्वेलरी ब्रांड के लिए प्रियंका चोपड़ा से लेकर देश विदेश की कई जानी मानी हस्तियां ऐड करती थी। अब एक तरफ 2016 में नीरव मोदी ब्रांड से जुड़ी प्रियंका चोपड़ा ऐड का भुगतान ना करने पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए कानूनी सलाह ले रही है। वहीं ऋषि कपूर ने ट्वीट कर पूछा कि 2011 के इतने बड़े लोन की अब तक जांच क्यों नहीं हुई। वहीं इसके आगे ऋषि कपूर ने कहा कि कपट से और कोई कंकाल निकलना बाकी है। आपको बता दें कि नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक से करीब 11,300 करोड़ रुपए के लोन से जुड़े केस में फंसे हुए हैं। इसके चलते एक्टर ऋषि कपूर ने ट्वीट कर सवाल उठाया, इस घोटाले को देश में अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला बताया जा रहा है। ऋषि कपूर ने, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि एक बैंक साल 2011 में किसी को 11,300 करोड़ रुपए का लोन देता है और इस पर अब तक इतने सालों में कोई जांच नहीं हुई। इससे ये साबित होता है जो भी चमक रहा है वो सिर्फ हीरा नहीं है बल्कि कपाट में कई कंकाल मौजूद है। वही अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए कानूनी सलाह ले रही प्रियंका चोपड़ा व्यापारी नीरव मोदी के ब्रांड के साथ 2016 में बतौर ब्रांड एम्बेसडर जुड़ी। प्रियंका के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा, प्रियंका चोपड़ा ने नीरव मोदी पर कोई केस नहीं किया है बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए कानूनी सलाह ले रही है। आपको बता दें कि इससे पहले खबर आई थी कि एड का भुगतान ना करने पर नीरव मोदी को प्रियंका ने कानूनी नोटिस भेजा है। वही प्रियंका चोपड़ा ही नहीं, नीरव मोदी की ज्वेलरी में जैकलिन फर्नांडिस, सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर, सोनम कपूर, निमरत कौर, लीजा हेडन और काजोल भी दिख चुके। नीरव मोदी की डायमंड ज्वेलरी में सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड स्टार्स भी नजर आए। इनकी ज्वेलरी में फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे,
और विक्टोरिया सीक्रेट मॉडल रह चुकी रोजी हंटिंगटन विंटले भी नजर आ चुकी। नीरव मोदी 2010 में अपने नाम से डायमंड कंपनी बनाई थी। 48 वर्षीय नीरव मोदी मशहूर डायमंड ब्रोकर परिवार से ताल्लुक रखते हैं। नीरव मोदी दो बड़ी डायमंड कंपनियों के मालिक हैं। एक का नाम फायर स्टार डायमंड कंपनी है और दूसरी नीरव मोदी डायमंड कंपनी है। उनके देश विदेश में कई बड़े स्टोर्स हैं। उनकी कंपनी अरबों का कारोबार कर यही नहीं 2017 में फोर्ब्स की लिस्ट में 84वें सबसे अमीर भारतीय है। भारत के अलावा उनके रूस, आर्मेनिया और दक्षिण अफ्रीका में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहे 24 टाइम के साथ। खबरें वही जो दिखे सही। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।